तीन साल पहले हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। जमीन के विवाद के चलते वृद्ध की हत्या हुई थी। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। मऊगंज थाने का है मामला। तीन साल पहले हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। जमीन के विवाद के चलते वृद्ध की हुई थी हत्या। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। मऊगंज थाने का है मामला। मऊगंज थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद के चलते तीन साल पहले हुई थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में किया खुलासा। पुलिस ने मऊगंज थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई वृद्ध दंपत्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का पड़ोसी निकला, जिसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने यह हत्या की थी। बुधवार को स्थानीय कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मामले का खुलासा किया। 24 फरवरी 2019 को मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 चक्रभाटी के रहने वाले 95 साल के राम मिलन मिश्रा और उनकी 93 साल की पत्नी जयमती मिश्रा की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को जांच में इस बात का पता चला कि मृतक के पड़ोस में रहने वाले नूर मोहम्मद से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन से ही पड़ोसी नूर मोहम्मद फरार है। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर संदेही की तलाश शुरू की, जिसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। काफी वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार सोमवार को वो पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने इस हत्याकांड के बारे में पुलिस को बताया कि हत्या वाली रात जमीन के विवाद में दोनों के बीच काफी झगड़ा और गाली गलौज हुआ था, जिसके बाद आरोपी नूर मोहम्मद ने मृतक राम मिलन मिश्रा का जेआई तार से गला घोटकर हत्या कर दी थी, मौत के घाट उतार दिया था। मृतक की पत्नी ने यह देख लिया, जिसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसने मृतक की पत्नी का भी गला घोटकर मार डाला। पुलिस से बचने शव को भूसे में ले जाकर ढक दिया। आरोपी के घर से कुछ नगद रुपए सहित चांदी के पायल लेकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त कर लिया है। इस बारे में नवनीत भसीन एसपी रीवा ने आज रीवा के कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता करके इस हत्याकांड का खुलासा किया। आप भी सुनिए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किस तरीके से किया खुलासा। 2019 में एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके फरार हुए आरोपी को उस टीम ने पकड़ा है। आरोपी का नाम नूर मोहम्मद है। इसने 95 वर्षीय वृद्ध और उनकी धर्मपत्नी की हत्या 2019 में की थी। तब से फरार था। बीच में पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने लगातार इसका नया पता, एड्रेस और नया इसके ठिकाने पर प्रयास किए, तो अंत में टीम को सफलता मिली और इससे पूछताछ की गई, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रक्रिया में है और इसमें भी और कोई व्यक्ति शामिल था या अन्य कोई पॉइंट आता है तो वो लोग हम आपको शेयर करेंगे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक जो पता पड़ा है कि नूर मोहम्मद ने अपने जमीनी विवाद के चलते इनकी हत्या की थी, और क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर चुका था और पत्नी उनकी तस्वीर साक्षी थी, तो अपना साक्ष्य मिटाने, अपना अपराध छुपाने के लिए उसने उनकी पत्नी की भी हत्या की है, ऐसा अभी हमको आरोपी ने बताया है। तो हम लोग अभी इसको और क्रॉस चेक कर रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं। कोई नया इसमें पॉइंट जब भी आएगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी तक कोई अचीवमेंट है और हमने इस अपराध जो पेंडिंग था इसको लेके 10,000 का रिवार्ड भी डिक्लेयर कर रखा था, तो ये पूरी टीम इस रिवार्ड की हकदार रहेगी। और जो हमारे गिरफ्तार ऑफिसर हैं बी एस पी साहब और एस एम एस पी साहब, इनको हम अपने ईडी सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्रसन्नता पत्र के लिए। तो ये आपके सामने पूरा मैटर अभी इतना क्लियर है। थैंक यू वेरी मच सर। सामान क्या क्या जब्ती किया गया था? अभी तो उससे पायल वगैरह मिली है जो उस समय ले गया था। उसका कहना है कि 1200-1300 रुपये इनके पास थे और उनके बच्चों ने भी बताया कि इतना ही केवल राशि, बड़ी राशि को नहीं गई थी। तो राशि तो उसके पास अब खर्च हो गई, परंतु जो पाजेब वगैरह उसके पास थी वो उसने रखी हुई थी, जिस भी कारण से उसको लगा हो कि बेचने पे कहीं पकड़ा ना जाऊँ या जो भी उसको लगा, तो वो जब्त हो गई। पता नहीं है तो इस प्रक्रिया में सब पूछताछ की जाएगी और जो भी फैक्ट आएंगे आपको हम चेक करेंगे।
ठीक है, थैंक यू। तो किस तरह का जमीनी विवाद थी? हाँ जी, जमीनी विवाद किस तरह का? वो उसका बता रहा है कि हमारा उनसे पड़ोसी के नाते विवाद चल रहा था, तो हमको लगा कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमारा सहयोग तो जमीन में हमको नहीं लाभ मिल पाएगा, इसलिए हम उनको हत्या करते हैं तो शायद फायदा मिल जाए। अब ये स्टोरी उसने बताई है, अब इसको भी तस्दीक करते हैं कि पड़ोस में जमीन है भी कि नहीं, कभी सीमांकन कराया है क्या, कभी किसी केस में तो कोर्ट में केस चला है क्या, देखते हैं उसको। पकड़ा गया इसको, पकड़ा मऊगंज।